जम्मू कश्मीर के पुंछ की अगर बात करें तो वहां नदी में फंसे दो युवकों को सेना के जवानों ने बचा लिया। अचानक नदी का बहाव तेज होने से दोनों युवक सैलाब के बीचों बीच फंस गए थे। नदी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं। भारी बारिश की वजह से पुंछ की बेतार नदी में अचानक उफान आ गया और इस दौरान दो युवक नदी की तेज धार के बीच फंस गए। पुंछ में तैनात सेना के दुर्गा बटालियन को दो युवकों के सैलाब में घिरे होने की खबर मिली तो जवानों ने बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। देखिए कैसे ट्यूब के सहारे ये जवान नदी में फंसे दोनों युवकों तक पहुंचे और बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आ रही थी। इस बीच सेना का एक और जवान कुछ और ट्यूब और रस्सी बांधकर नदी के प्रवाह को चीरता हुआ जवानों की मदद के लिए आगे बढ़ा। पानी के तेज प्रवाह के बीच कैसे ये जवान दोनों युवकों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद सेना के जवानों को आखिरकार कामयाबी मिल गई। बड़े से पत्थर पे बीचों बीच वहाँ पे दो लोग फंसे हुए थे, उनको चिपक के बैठे हुए थे, तो फिर हमने अपनी रोप और अपने ट्यूब डाल के और लाइफ जैकेट लगा के वो रेस्क्यू किया और उनको बाहर निकाला। हालांकि काफी देर तक पानी के तेज बहाव में फंसे होने की वजह से दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी, लिहाजा सेना के एम्बुलेंस से दोनों को अस्पताल ले जाया गया। इन दोनों युवकों के लिए सेना के जवान किसी देवदूत से कम नहीं है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों सैलाब का सितम देखने को मिल गया है। सैलाब के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आ रहा है। सैलाब के बीच प्रेग्नेंट लेडी फंस गई और फिर उन्हें बचाने के लिए शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। उफनती नदी के बीच बड़ी संख्या में लोग रस्सी के सहारे नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे ये सभी लोग सैलाब में फंस गए हैं और उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग सैलाब में नहीं फंसे हैं बल्कि एक गर्भवती महिला की मदद कर रहे हैं। तस्वीरें ओडिशा के कयूंझार जिले की है जहां तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच तेलकोई ब्लॉक के मुंडाशाही इलाके में एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना था, लिहाजा दमकल विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई। दमकल कर्मी स्ट्रेचर लेकर महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए निकल लिए। ये जवान मुश्किल रास्तों से होते हुए समकोई नदी के किनारे पहुंचे, जहां पानी का बहाव काफी तेज था, लिहाजा नदी के दोनों छोर पर एक रस्सी बांधी गई। दमकल विभाग की टीम और स्थानीय लोग महिलाओं को किसी तरह गोद में उठाकर सैलाब के बीच एक एक कदम आगे बढ़ाते गए। नदी की तेज धार के बीच अगर कोई लड़खड़ाता तो उसका दूसरा साथी उसे संभाल लेता। आखिरकार लोगों को कामयाबी मिली और उफनती नदी को पार कर महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया गया। ओडिशा की तरह ही एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से भी आई है। गुंगालूर तहसील में गर्भवती महिला को रेस्क्यू टीम अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रही है। बारिश ने रास्ते बंद कर दिए हैं, ऐसे में इन लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला, लिहाजा प्रशासन की मदद से गर्भवती महिला को कुछ इस तरह अस्पताल ले जाने की कोशिश की जाने लगी। बताया जा रहा है कि महिला अस्पताल नहीं पहुंच सकी और नदी किनारे ही डिलीवरी करानी पड़ी। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। ओडिशा के बाद अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां इन दिनों बाढ़ से बुरा हाल है। सुकमा जिले का कोटा ब्लॉक के कई गांव तो पानी में डूब गए हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो वहां कुछ जिलों में भी बारिश कहर बनकर टूटी है। पूरा इलाका जलमग्न है, सड़कें पानी में डूब गई हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी दिखाई देगा। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की हैं, जहां करीब 37 साल बाद कोटा ब्लॉक में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। गोदावरी और शबरी नदी का पानी इलाके में भर जाने से कोंटा नगर पंचायत के 7 वार्ड पानी में डूब गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, स्कूल की बिल्डिंग का निचला हिस्सा पानी में डूब गया है। स्कूल के कैंपस में आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
नदी किनारे बने इन घरों को देखिए, इसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, पूरा घर पानी में समा चुका है। इसके आसपास बने सभी मकान पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। इस इलाके में कोई ऐसा घर नजर नहीं आ रहा है जो पानी में ना समाया हो। सैलाब में घिरे लोग बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए पिछले 4 दिनों से SDRF की टीम लगातार कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकाल भी लिया गया है, बाकी जो बचे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। रिहायशी इलाकों के साथ बाढ़ के पानी ने हाईवे को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इन तस्वीरों को देखिए, पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है, सड़क का अता पता नहीं चल रहा। लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच से गुजर रहे हैं। देखिए कैसे बाइक सवार पूरा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन घर जाना है, लिहाजा जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से गुजर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुकमा में लोगों की मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है। पानी ज्यादा आने के पहले ही लोगों को वैकेट करने के लिए, तो अभी लोगों को हमने पूरा इन्फॉर्म कर दिया कि वैकेट करने के लिए, और अभी लोग भी वैकेट कर रहे हैं। हमारा शेल्टर उसमें भी अपना अपना सामान को भी लोग डंप कर रहे हैं, और कुछ लोग सामान भी इधर छोड़ के अपने जहाँ जहाँ अपना रिश्तेदार है वहाँ भी चले जा रहे हैं। उधर आंध्र प्रदेश के कोना सीमा में भी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है, लिहाजा उससे निपटने के लिए लोग मिट्टी से भरी बोरी से पानी को घरों में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट खड़ा होने लगेगा। देखिए, देश ही नहीं विदेश में भी बाढ़ का कहर जारी है। सूडान भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। सूडान से सैलाब की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सैलाब की डरावनी तस्वीर सूडान की है। ये तस्वीरें देखकर कोई भी सहम जाएगा। सूडान के पश्चिमी दारफुर इलाके में आए इस सैलाब के बीच देखिए एक शख्स कैसे आराम से बैठा है। पानी में उफान ऐसा है जैसे समुद्र की लहरें विकराल रूप धारण कर चुकी है। लेकिन ये समंदर नहीं सैलाब है। भारी बारिश की वजह से दारफुर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इसी बीच एक शख्स उफनती लहरों के पास एक ऊंचे स्थान पर आराम से बैठकर इस मंजर को देख रहा है, तो वही एक शख्स खड़े होकर वीडियो बना रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके लिए ये सब सामान्य बात है। लेकिन रविवार को सूडान के दारफुर में अचानक आई इस बाढ़ ने 7 लोगों की जान ले ली है, जबकि सैकड़ों घर पानी में बह गए हैं। पिछले साल सूडान में बाढ़ की वजह से 80 लोगों की जान चली गई थी। ABP News आपको रखे आगे।